रहीम, ओके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम हाँ, अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, ये 6 माह का हमारा सूरह रहमान का प्रोग्राम हम कर रहे हैं दीनी हलका के तहत, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज जो है आयत 10 से 20 आयत जो है उनको कवर करेंगे इंशाल्लाह। पहले किरत और तजवीद मेंटर शाहिदा सलाहुद्दीन, जो हमारे हिफ्ज की भी मेंटर हैं, तो जो लोग हिफ्ज कर रहे हैं उनको गाइड करती हैं माशाल्लाह। उसके माशाल्लाह बाद हम इल्मे कलाम, अरबिक सिंटेक्स और ग्रामर समझेंगे मेंटर तलत परवीन से इंशाल्लाह। और उसके बाद हम बढ़ेंगे तफसीर की तरफ, जो उस्तादा रजिया शकील हमें बताएंगे। तो हम शुरू करते हैं किरत से। मैं दावत देती हूँ मेंटर शाहिदा सलाहुद्दीन साहिबा को। आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? सॉरी। हाँ, जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम أعوذ السلام، بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والأرض وزعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. 21 आयत तक हुआ है, ठीक है ना। यहां से अगर हम लेते हैं फीहा फाकी हतू से, तो फीहा जैसे कि फाकी हतू हम अगर देखेंगे तो फाकी हतू वन नखलू, यहाँ पर गुन्ना होगा, फीहा फाकी हतू वन नखलू। अच्छा, ये हमेशा हम लोग को याद रखना है कि जेर जबर पेश को कभी भी हम लोग ज्यादा खींच के नहीं पढ़ेंगे, इनफैक्ट खींच के पढ़ा ही नहीं जाएगा। जातुल अकमाम, नखलू नखलू नहीं होगा। इसी तरह वलहब्बू वलहब्बू, हा हुर्फ हल्की है, हा जो हलक से निकलता है। जुल आश्र, आइन भी हुर्फ हल्की है, अश्वात मोटा थोड़ा पड़ जाएगा, सीन की तरह नहीं पड़ा जाएगा। उसके बाद वर रैहान, रॉ पुर करेंगे, मोटा करेंगे, हेवी करेंगे, क्योंकि रा के ऊपर जबर है। जब रा के ऊपर जबर और पेश आ जाएगा तो उसको हम मोटा करके पढ़ेंगे। फबी अई आलाई, ये जो बड़ा मद है उसको हम तीन हुर्फ के बराबर, या कहीं कोई उल्मा कहते हैं 3 अलीफ के बराबर, कोई उल्मा कहते हैं 4 अलीफ के बराबर खींच के पढ़ना है। यहाँ पर भी देखिए रब्बी कुमा, तो यहाँ पर भी रा जो है वो पुर होगा, ये काफ जो है बारीक काफ होगा। रब्बी कुमा नहीं बोलेंगे, रब्बी कुमा। तुकज़्ज़िबान, ज़ा नरमी से अदा होगा। उसके बाद है खलक़ल, ख़ा यहाँ पर मोटा लफ्ज है, क़ाफ़ भी मोटा है। उसके बाद इंसान, यहाँ पर इख़फ़ा होगा। मिन स्वल स्वालिन, स्वल स्वाद भी यहाँ पर मोटा पड़ेगा। स्वल स्वालिन कल फ़ख़ार व खलक़ल जान, बस इस तरह से जान को मद्दा को नून में मिलाएंगे। नून गुन्ना है, नून मुशद्दद है, यहाँ पर गुन्ना होगा, हेवी गुन्ना होगा, नाक में दबाएंगे। जान ना, जान ना, मिम मारिजिन मिन नार, यहाँ पर हम इदगाम करेंगे, मुदगम करेंगे, मिलाएंगे। उसके बाद फिर आ गया वह फबी अई आलाई रब्बिकुमा तुकज्जिबान। रब्बुल मशरिकैनी,
मशरिकैनी, काफ यहाँ पर नॉर्मल नहीं पढ़ेंगे, काफ को मोटा करना होगा, व रब्बुल मगरिबैन, मगरिबीन नहीं होगा, बहुत से हम लोग से मिस्टेक हो जाता है, मगरिबैन बीन कर देते हैं, मगरिबैन रब्बुल मशरिकैनी व रब्बुल मगरिबैन فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين. مرا यहाँ पर भी र जो है पुर होगा, मोटा होगा, हेवी होगा. बहरईनी, बह यहाँ पर हा जो है वो अलग से निकलेगा. बहरईनी यल्तकियान, काफ यहाँ पर मोटा होगा, यान के ऊपर जो बड़ा खड़ा पढ़ा जबर है नहीं, उसको. जी बाजी, कुछ नहीं। खड़ा जबर है उसको, जब भी हम खड़ा जबर बोलेंगे तो पूरा मुंह को खोलेंगे, यल्तकियान, या यहाँ पूरा मुंह खुल जाएगा, और जब खड़ी जेर बोलेंगे तो मुंह नीचे को जाएगी. ठीक है. बैनहुमा बरजुखन, यहाँ पर फा जो है वो लाम में मिल जाएगा, बरजुखन नहीं होगा, फा लाम में मिल जाएगा. ला यब, यब यहाँ पर देखिए बा कलकला है, हुर्फ कुतुब जद है, और बाउंसिंग वर्ड है, उसको बाउंस होता है यानी कि टकरा के आता है. यब यब यब. रियान यहाँ पर भी देखिए आ गया वही यान, उसको भी हम खड़ा मुंह को खोल कर बोलेंगे. बाजी कहीं मिस्टेक अगर हो गया होगा तो हमको बता दीजिएगा. ये 20 आयत हो गई. जी जजाकल्लाह खैर। मैं गुजारिश करूंगी मेंटर तलत से कि वो ग्रामर का जो हिस्सा है वो कवर करें इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हम लोगों ने किरात के तजवीद के कायदे भी सुने और कुरान की तिलावत सुनी। अल्लाह ताला हम सबको तजवीद के कायदे भी आ जाएं और कुरान पढ़ना सही तरीके से आ जाए। हम अपनी बात को शुरू करते हैं एक दुआ के साथ में। रब्बी शाहली सदरी व यस्सिर ली अमरी बहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर उतम मिन बिल खैर। ये अल्हम्दुलिल्लाह जो कुरान का ये जो हिफ्ज का प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू किया है, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है, बहुत बड़ी रहमत है। इसको याद करना, इसकी तजवीद पर गौर करना, इसकी तजवीद को सीखना, लफ्जों के माने को सुनना, ग्रामर को सुनना और फिर तफसीर को सुनना, ये अल्लाह ताला ने एक ऐसी नेमत उतार दी है। ये सब लोगों के जज्बे और जिसने भी ये प्रोग्राम बनाया है उनके तहत एक बहुत बड़ी रहमत से अल्लाह अल्लाह के फजल से हम लोग मुस्तफीद होंगे। तो जैसे कि अभी हमने हम लोगों ने तजवीद के कायदे सुन लिए, अब देखते हैं थोड़े ग्रामर की तरफ आते हैं। ग्रामर में हम लोगों ने कुरान में जितने अल्फाज आते हैं तो कुरान के अल्फाज तो बिल्कुल मोतियों की तरह है, बहुत ही अच्छे सुलझे हुए खुशनुमा, और एक एक लफ्ज एक एक मोती है, इतना अहम है, इतना कदर वाला है, इतना कदर करने के लायक है कि अगर हम लोग गौर फिक्र करें कुरान के अल्फाज पर तो हमारा ईमान मुस्तहकम हो जाए, बढ़ जाए और हमारा रास्ता सही हो जाए, सीधा हो जाए, अल्लाह पे यकीन बढ़ जाए कि अल्लाह ताला ने किस तरह के अल्फाज कुरान में इस्तेमाल किया है, हम लोगों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। जैसे कि ये सूरह शुरू भी हो रही है रहमान के नाम से, जो अल्लाह ताला के सिफाती नामों में सबसे ऊंचा सबसे अहम नाम है, जिससे उसकी रहमत झलकती है टपकती है। रहमान मुबालगे का सीगा है और रहम रा हा मीम तीन हरफों से मिलकर बना है। रहम रहम से समझने के लिए एक मिसाल कि माँ के पेट में जहाँ बच्चा होता है रहता है परवरिश पाता है थोड़े दिन के लिए, वो भी रहम कहलाता है। तो अल्लाह ताला के अंदर जितना रहम है उसके बहुत बहुत ही मुख्तसर बहुत छोटा सा हिस्सा अल्लाह ताला ने उसमें डाला है, जिससे बच्चे की किस किस तरह हिफाजत होती है, कितने अच्छे से बच्चा 9 महीने तक नशोजमा पाता है रहम के अंदर रह के। तो ये भी अल्लाह की रहमत की एक निशानी है। तो अल्लाह ताला की इतनी रहमत है, अल्लाह ताला कितना रहम है,
कि ये सूरह रहमान जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया है, इसका पहला लफ्ज और पहली आयत अर रहमान है। तो अगर इस पर हम अगर गौर करें तो इसके बाद जितनी भी आयतें इसके इसके बाद आई हैं रहमान के बाद, तो उससे सबसे पहले अगर इस लफ्ज को हम लगा कर पढ़ लें अर रहमान, अच्छा अगर हम लगा कर पढ़ लें तो बिल्कुल माने सही बैठ जाएंगे। तो वो रहमान है, उसने कुरान सिखाया, उसने इंसान को पैदा किया, उसने बोलना सिखाया, उसने सूरज चांद एक हिसाब के तौर पर बनाया, उसने सितारे और दरख्त बनाया है जो कि सजदा कर रहे हैं, उसने आसमान को उठाया है और उसने एक मीजान रख दिया, अदल कायम कर दिए। और तो हर हर जुमले पर ये लफ्ज बैठ जाता है, ये लफ्ज रहमान इतना अहम है, इतना इतना अच्छा नाम है अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला की रहमत जो एक एक अल्लाह ताला की रहमत जो एक समंदर के मानिंदे है, समंदर में जिस तरह एक मौजें घाटे मारती है ना, जोश खाती है, जोश में आती है, इसी तरह अल्लाह की रहमत भी जोश खा में रहती है, इस लफ्ज के माने ये निकलते हैं। तो हम ग्रामर की तरफ आते हैं कि कुरान में जितने भी लफ्ज हैं सब लफ्ज माने वाले हैं, और हर बामानी लफ्ज, लफ्ज दो तरह के होते हैं, एक बेमानी एक बामानी, और कुरान में जितने भी अल्फाज इस्तेमाल हुए सब बामानी हैं, और बामानी लफ्ज को कलमा कहते हैं। कलमे की तीन किस्में होती हैं, इस्म फेल और हर्फ। इस्म को नाउन और फेल वर्ब, और हर्फ को प्रीपोजिशन भी कह सकते हैं, और बहुत से इस तरह के हरूफ का मजमा होता है जो हर्फ कहलाते हैं। तो कलमे के ये तीन हिस्से होते हैं, तीन अकसाम होती हैं, जिसमें इस्म फेल और हर्फ होते हैं। तो जब और यही मिलकर जुमला बनता है, इस्म से फेल से और हर्फ से मिलकर जुमला बनता है। जुमले दो तरह के होते हैं, एक जुमला इस्मिया होता है, एक जुमला फेलिया होता है। जुमला इस्मिया में हम ये देखेंगे कि दो दो हिस्से नजर आते हैं जुमले इस्मिया के, एक मुब्तदा होता है और एक खबर होती है। खबर और मुब्तदा मिलकर जुमला इस्मिया बनता है, और जुमला फेलिया जो होता है वो फेल से शुरू होता है। फेल को उसको कहते हैं कि किसी काम के करने को फेल कहते हैं, इसमें किसी चीज के नाम को कहते हैं। तो ऐसे तो कलमे की हम लोगों ने यहाँ पर तीन किस्में की हैं। और जैसे कि हम जब इंग्लिश ग्रामर हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 या 9 है। तो जब हमने ये शुरू किया पढ़ने के लिए तो हमने ये देखा कि कुरान की अरबी में तो सिर्फ तीन ही चीजें हैं, इसमें फेल हर्फ है। तो इससे बहुत ज्यादा खुशी का इजहार हुआ कि इतनी सारी चीजें नहीं पढ़ना पड़ेगा, लेकिन बाद में ये पता चला कि इसमें के अंदर बहुत सी चीजें शामिल हो जाती हैं, जैसे प्रोनाउन है और एडजेक्टिव है, एडवर्ब है और कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, ये सब चीजें इसमें शामिल हो जाती हैं। और वर्ब सिर्फ उसको कहते हैं जो जो जमाने के साथ में कोई काम के करने को वर्ब कहते हैं, इसमें जमाना पाया जाता है। ऐसे सिर्फ किसी काम को करना भी इसमें होता है, जैसे खेलना एक इसमें होगा, लेकिन कहेंगे वो खेलता है तो यहाँ वर्ब का इस्तेमाल हुआ। हर्फ में इसी तरह होता है कि हर्फ में के अपने कोई माने हर्फ अगर कोई बोले तो उसे कोई माने समझ में नहीं आते हैं, लेकिन हर्फ हमेशा इस्म के साथ मिलकर माने पैदा करता है। जैसे एक लफ्ज है पर, उर्दू में हम लोग कहते हैं पर, तो अला माने होता है पर, लेकिन कोई अगर पर 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 जितनी बार भी कह दे लेकिन माने समझ में नहीं आएंगे, लेकिन हम कहेंगे कि अलल अलल मेज या मेज पर, तो समझ में आ जाएगा कि मेज पर कोई चीज है। तो ये हर्फ होता है। तो ये अब जो हम लोग कुरान के अल्फाज को देखेंगे तो इसी पर गौर करेंगे कि कौन सा लफ्ज है जो इस्म बन रहा है, कौन सा लफ्ज है जो फेल बन रहा है, और कौन सा लफ्ज जो हर्फ बन रहा है। और जब हम लोग इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे कुरान के अल्फाज को कि कैसे इस्तेमाल हुए हैं, क्या मानी रखते हैं, किस तरह से इस्तेमाल हुए हैं, तो कुरान पढ़ने का मजा दोबाला हो जाएगा। और पहले तो ग्रामर का लफ्ज सुन के ऐसा लगता है कि ये बहुत खुश की चीज है, और बिल्कुल लोग अक्सर यही के जबान पे ये बात आ जाती है कि बेकार चीज है, इसे कोई फायदा नहीं होता है, ये सिर्फ वक्त को बर्बाद करता है। लेकिन जब एक बार पढ़ लेने के बाद, ग्रामर को समझ लेने के बाद, अगर जब हम लोग कुरान का मुताला करते हैं तो फिर कुरान का मजा बदल जाता है, और फिर वही बिल्कुल बिल्कुल लगता है कि अल्लाह ताला जो बार बार कहते हैं अफला तज़क्करून, क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते, क्या तुम गौर नहीं करते, अफला तअक्लून, क्या तुम अक्ल नहीं रखते, अल्लाह ताला जो बार बार ये चीज कहते हैं
जिसकी वजह यही है कि इन अल्फाज में किस कदर माने हैं, किस कदर हकीकत है, किस कदर अल्लाह से नजदीकी है और किस तरह सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करते हैं ये अल्फाज हमारी। तो कुरान को तो हम पढ़ते हैं और पढ़ने से सवाब भी होता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। कुरान के तो एक एक हरफ को पढ़ने से 10-10 नेकियां मिलती हैं, जैसे अलिफ लाम मीम भी हम लोग पढ़ लेते हैं तो 30 नेकियां हमारे हो जाती हैं। लेकिन कुरान को अगर समझ कर पढ़ा जाए, अगर उस पर गौर फिक्र करके पढ़ा जाए, उसके एक एक लफ्ज पर गौर किया जाए कि अल्लाह ताला हमारे लिए कौन सा एक काम, कौन सा हुक्म दे रहे हैं, हमको क्या करना है, हम किस तरह के हैं। ज्यादातर तो हम नाशुक्री करते रहते हैं, हम नाशुक्रगुजार होते हैं। क्यों होते हैं? ये ना अल्लाह पे यकीन होता है, ना अल्लाह की नेमतों पर यकीन होता है, ना अल्लाह की नेमतों पर गौर करते हैं कि अल्लाह ताला ने क्या चीज बनाई, कैसी बनाई और हम लोग किस तरह उससे फायदा उठा रहे हैं, इस पर गौर नहीं करते हैं। तो गौर करने के लिए, कुरान पर गौर करने के लिए उसके अल्फाज को समझना चाहिए, और अल्फाज पे समझने के लिए थोड़ी सी ग्रामर की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं होती है कि ग्रामर के में इसको क्या कहते हैं, इस्म को याद रखना चाहिए, फेल को याद रखना चाहिए, हरूफ को याद रखना चाहिए, हर्फ जर को किसको कहते हैं याद रखना चाहिए। लेकिन समझना जरूर चाहिए कि इस्म किस तरह इस्तेमाल होता है, वर्ब किस तरह इस्तेमाल होता है, और क्या होता है वर्ब जब शुरू में आता है तो क्या होता है, ये इसमें जब शुरू में आता है तो किस तरह जोर पड़ता है, जो चीज बाद में आने की अगर हम जुमले में उसको पहले ले आते हैं तो उससे किस तरह जोर पड़ता है, कैसे हसर पैदा होता है। तो जैसे एक मामूली से एक मिसाल है कि हम लोग कहते हैं कि अल्लाह मालिक है, तमाम आसमानों और जमीन का मालिक है। तो अब अगर हम ये कहें कि लिल्लाही पहले ले आते हैं, लिल्लाही को वो माफी समावात माफी अर्ज, तो अब क्या होता है, उसे एक तरह का जोर पड़ जाता है कि अल्लाह ही मालिक है, सिर्फ अल्लाह मालिक है, ये जोर पड़ जाता है। इस जोर को समझने के लिए थोड़ी सी ग्रामर की जरूरत होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमको ये तौफीक दे कि हमको जो कुछ भी अभी तक हमने पढ़ा है उसको समझा सके। ये सिर्फ अल्लाह की तौफीक से ही हासिल हो सकता है, वरना नहीं हो सकता है। तो देखते हैं कि अब जुमले की तरफ में आते हैं कि आयत नंबर 9 से शुरू कर, नहीं आयत नंबर 11 से शुरू करते हैं। नहीं, अभी जो तिलावत शुरू हुई थी तो आयत नंबर 10 से शुरू हुई थी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अर्दा वदाहा लिल अनाम। वल अर्दा, अर्ज जो है, अर्ज माने तो जमीन, इंग्लिश के लफ्ज की तरह मिलता है अर्थ, अर्थ जैसे होता है, अर्थ माने जमीन, अर्ज माने जमीन। वल अर्द और जमीन, व माने और, व लफ्जों को भी जोड़ने के लिए होता है और जुमलों को भी जोड़ने के लिए होता है। तो इस व को हर्फ अत्फ कहते हैं, अत्फ जोड़ देते हैं, जैसे वल अर्द और जमीन, वजाहा और नहीं, वा ये वा नहीं है यहाँ पर, ये वजा आ और उसने बिछाया, ये एक लफ्ज है, ये एक फेल है, वजा और उसने उसने रख दिया, उसने बिछा दिया। हा आया जमीन के लिए, हा का लफ्ज जमीन के, हा माने उसको। वल अर्द और जमीन, वजा और उसने बनाया हा उसको, लिल अनाम, ली लगा, जब कोई भी चीज में ली लगा देते हैं उसके माने होता है लिए, फॉर। ये हर्फ जर है, ला और ली हर्फ जर है। जैसे हम लोग कहते हैं लकुम दीनकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। ला मने और ली दोनों के एक माने होते हैं, यानी लिए। लिल आनाम यानी मखलूक के लिए, खिलकत के लिए। ये उसने बिछा दिया, उसने रख दिया, वजा उसने बना रख दिया हाँ उसको, यानी जमीन को, लिल आनाम मखलूक के लिए। उसके बाद है फी हा, फी माने में होता है और हा उसको कहते हैं, ये जमीन के लिए इस्तेमाल किया गया है, जमीन का लफ्ज आ रहा है वल अर्द, हा उसी के लिए इस्तेमाल हुआ है। फी हा यानी उसमें, जमीन में, फाकिहतुन मेवे हैं, फाकिहतुन मेवे को कहते हैं। और फकीहा माने होता है वो खुश हुआ, और फाकिहून और फाकिहीन के माने होता है खुश होने वाले। तो उसमें मेवे हैं, इस जमीन में अल्लाह ताला ने मेवे रखे हैं, फल रखे हैं, जो खुश जायका हैं, खुशगवार हैं, खुश करने वाले हैं। वन नखलो, और नखलो कहते हैं खजूर को,
वनखलु और खजूर, जातुल अकमाम। जातु जो है, जाता है, जू है, जा है, जी है, ये सब के माने होते हैं वाला। जातु मने वाला, अकमाम यानी गिलाफ। ये किमुन की जमा है, किम माने होता है गिलाफ, उसकी जमा है अकमाम। जुल अकमाम यानी गिलाफ वाले। अल्लाह ताला ने खजूरें बनाई गिलाफ में लिपटी हुई। अल्लाह ताला ने बहुत से फल ऐसे बनाते हैं अल्लाह ताला जो गिलाफ में लिपटे हुए होते हैं, और जो पक कर तैयार होते हैं तो वो फट जाते हैं। जैसे खजूरें भी अपने जब तैयार हो जाती हैं तो फट जाती हैं, अपने आप को पेश कर देती हैं खाने के लिए। आगे आयत में लफ्ज आ रहा है वलहब्बु और दाना। जुल असव, जू माने होता है वाला, अस माने भूसा, भूसे वाला। दाना बनाया अल्लाह ताला ने भूसे वाला, तो एकदम मैंने पैक करके बनाया। जैसे दालें हैं, धान है, गेहूं है, सब एक कवर के अंदर में होती हैं, तो वो दाना हम लोग के लिए हो जाता है, और जो उसके ऊपर से भूसा होता है तो उसकी हिफाजत भी करता है, उसको तो खराब भी नहीं होने देता है, और वो जानवरों के भी काम आता है। वर रेहान, खुशबूदार फूल को रेहान कहते हैं। वर रेहान, यहाँ पर वाव जो है वो अत्फ वाला है, यानी दाना बनाया भूसे वाला और खुशबूदार फूल बनाया। उसके बाद जो मशहूर आयत आ रही है, आयत नंबर 13 है, फबी अय आलाई रब्बिकुमा तुकज्जिबान। तो फा माने होता है पस, फा के माने तो भी होते हैं, फा के माने फिर भी होते हैं, फा के माने क्योंकि भी होते हैं, और बी के माने होता है साथ, साथ, बेजिर बी, बी के मतलब होता है साथ। ये हर्फ जर है, और इसकी मिसाल के लिए जैसे हम लोग कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम के साथ हम शुरू करते हैं, ये वही वाला बी है। ये फा माने पस, तो अबी माने साथ, आइये माने कौन सा, आइये लफ्ज आता है यानी कौन सा, आलाई जमा है नेमतों की, ये इलीन की भी जमा हो सकती है, आलाई माने नेमतें, इसको नेमतें भी कहा जाता है कहीं पर, कहीं इसका तर्जुमा कुदरतें भी किया जाता है, कहीं एहसानात का भी किया जाता है। इसकी इसकी इसका तर्जुमा बहुत बहुत सी लफ्जों में हो सकता है, नेमतें भी और कुदरतें भी, एहसानात भी, कमालात भी। तो फिर कौन कौन सी नेमतों का, या कौन कौन सी कुदरतों का, या कौन कौन सी कमालात का, रब भी कुमा, रब भी माने रब, और कुमा के मतलब मुसन्ना का सीगा है, दो के लिए बोला जाता है, जैसे का एक के लिए बोला जाता है, रब्बु का माने आपका रब, रब्बु कुमा यानी आप दोनों का रब, रब्बुकुम माने आप सब का रब। तो ये कुमा का लफ्ज जो यहाँ पे बस इस्तेमाल हुआ है मुसन्ना का सीगा है, यानी दो, क्योंकि अल्लाह ताला अपनी दो मखलूक को मुखातिब कर रहा है यहाँ पर, इंसान और जिन, तो इसलिए यहाँ पर ये कुमा का सीगा इस्तेमाल हुआ है, रब भी कुमा, ये तुम दोनों का रब। तो कज़्ज़िबान ये फेल है, और आनी का लफ्ज जब भी कहीं पर लगता है तो वही मुसन्ना के लिए लगता है। तो कज़्ज़िबान, तुम दोनों झुटलाओगे, तुम दोनों इनकार करोगे। कज़्ज़िबा युकज़्ज़िबु से बना है, कज़्ज़िबा माने झुटलाना, और तुकज़्ज़िबान दो आदमियों के लिए है कि तुम, ये मुदारे का सिगा है, और तुम दोनों झुटलाओगे। तो फिर कौन कौन सी नेमतों का तुम दोनों अपने रब की कि इनकार करोगे या झुटलाओगे। ये आयत पूरे सूरे में 31 बार आई है, और बहुत मशहूर आयत है, जैसी ये आयत हम लोग के कान में सुनाई देती है तो सूरे रहमान का नाम याद आ जाता है। 31 बार अल्लाह ताला ने इस आयत को दोहराया है कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों का इनकार करोगे या तुम झुटलाओगे। तो अल्लाह ताला अपने बहुत से एहसानात को, अल्लाह ताला ने इसने कायनात को बनाया है, खाने पीने का ऐसा इंतजाम किया है, खुशी का भी इंतजाम किया है कि खुश रहे, उसका भी इंतजाम किया अल्लाह ताला ने, और वो इंतजाम को याद दिला के अल्लाह ताला कहता है कि तो फिर कौन सी चीजों को तुम नाशुक्री करोगे, क्यों नहीं तुम शुक्र अदा करते हो, अल्लाह ताला का मतलब ये, क्यों नहीं तुम शुक्र अदा करते हो, इतनी नेमतें हमने दी हैं, इतनी कायनात का अल्लाह ताला ने पहले जिक्र किया, अदल का जिक्र किया है, फिर खाने पीने का जिक्र किया है, फिर ये सवाल अल्लाह ताला करते हैं कि तुम बताओ इतनी नेमतें हमने तुम्हारे लिए दुनिया में पैदा की, तो तुम कौन कौन सी नेमतों का तो तुम झुटलाओगे। उसके बाद आयत नंबर 14 में आ रहा है खलकल इंसान, खलका यानी उसने पैदा किया, बहुत मशहूर लफ्ज है, मखलूक भी इसी से बना है, हम लोग मखलूक उर्दू में भी बोलते हैं, खिलकत बोलते हैं, खलका यानी उसने पैदा किया, अल इंसान इंसान को पैदा किया, मिन सलसालिन कल
फखार, खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा किया। अल्लाह ताला ने इंसान को खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा किया, तो अल्लाह ताला हमारी हकीकत को यहाँ पर बता रहा है कि हम कि इंसान को खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा किया। और इस कुरान में हम लोग बहुत जगह हम लोगों ने कुरान में ये देखा है, कहीं पर तीन का लफ्ज आया है, कहीं पर अर्ध का लफ्ज आया है, कहीं पर कीचड़ वाली मिट्टी का जिक्र आया है। तो अल्लाह ताला हमारी हकीकत को बता रहा है कि तुम अगर नाशुक्री करते हो, तुम अगर इतराते फिरते हो, हमारी नेमतों का तुम अगर इनकार करते हो, हमारे रसूल को तुम अगर यकीन नहीं करते हो, तो तुमको पता है कि तुम कैसे बने हो? तुम तो एक सूखी भी खनखनाती भी मिट्टी से तुम बने हो, सलसाल खनखनाती भी, कल फखार यानी ठीकरे जैसी। का लफ्ज आता है तशबी के लिए, का को हर्फ तशबी कहते हैं, का जिसी के जिसके साथ भी आता है तशबी के लिए आता है, जैसे कल माई कहते हैं पानी की तरह, कल फखार ने ठीकरी की तरह। आगे आते हैं 15 नंबर आयत में, वह खलाका और उसने पैदा किया, अल जानना जिनों को पैदा किया, मिम मार जिम मिन नार आग के शोले से पैदा किया। अल्लाह ताला इंसान और जिन दोनों को मुखातिब करते हैं और बता रहे हैं, दोनों की हकीकत को बता रहे हैं कि तुमको तो हमने आग के शोले से पैदा किया और इंसान को मिट्टी से पैदा किया, फबी आई आलाए रब्बी को मा तुका जबान, तो फिर कौन कौन सी नेमतों को तुम झुटलाओगे। आगे आयत नंबर 17 में आते हैं, रब्बुल मशरिकाइन व रब्बुल मगरिबाइन, रब है दो मशरिकों का और रब है दो मगरिबों का। तो मशरिकाइन मुसन्ना का सीगा है, कुरान में कहीं पर मशरिक आया है यानी एक मशरिक, मगरिब सूरह मुजम्मिल में आया है रब्बुल मशरिकी वल मगरिबी व रब्बुल मगरिबी, कहीं पर मशारिक और मगारिब भी आया है। तो यहाँ पर मुसन्ना के चूंकि सीगा इस्तेमाल हो रहा है शुरू से, उसी के मुनासिबत से मशरिकाइन आया है कि मशरिक और मगरिब तो ऐसे एक ही है, लेकिन लेकिन हर आदमी का अगर गौर करेंगे तो मशरिक और मगरिब थोड़ा सा बदल जाता है। अभी जो हम मेरे मशरिक में जो है तो वो मेरे मशरिक में है, लेकिन हम उसके मगरिब में है, इस तरह की मुनासिबत से ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ। यानी अल्लाह ताला असल में वक्त बताना चाहते हैं, अल्लाह ताला दिन और रात बताना चाहते हैं। जब मशरिक होता है तो दिन हो जाता है, जब सूरज निकलता है मशरिक से तो दिन हो जाता है, और मगरिब में फिर रात हो जाती है। तो अल्लाह ताला रात और दिन दोनों का मालिक है, हर वक्त का, दिन के 24 घंटे में हर घंटे हर लम्हे हर मिनट हर सेकंड अल्लाह ताला मालिक है। तो हम बच नहीं पाएंगे, अल्लाह ताला हमको हर वक्त निगरानी कर रहा है। फिर आयत आती है, फबी अय अलाए रब्बी को मातु कर जबान, तो तुम कौन कौन सी नेमतों के अपने रब की तुम झुटलाओगे। आगे आयत 19 नंबर में लफ्ज आया, मरजा, मरजा मैंने उसने बहा दिए, उसने छोड़ दिए, मरजा मरजल बहराइनी, उसने बहाए उसने छोड़ दिए, बहराइन भी वही मुसन्ना का सीगा है, बहर माने होता है समंदर, एक समंदर, और बहराइन माने दो समंदर। हम मुसन्ना के सीगे को देखने के लिए, पहचानने के लिए आईनी और आनी की आवाज पर गौर करेंगे। इसे तुका जिबानी आनी की आवाज है, यहाँ पर हम देख रहे हैं आईनी की आवाज है, बहराई बहराइनी यानी दो समंदर। तो मुसन्ना के पहचानने के लिए ये दो आवाज साउंड को हमको याद रखना चाहिए, आनी और आईनी की। यल तकियान है, दोनों एक दूसरे से मिले हुए, उसने दो समंदर बनाए बहा दिए, दोनों निकलते हैं और दोनों साथ साथ चलते हैं, एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं। बैनहुमा, बैना माने दरमियान होता है, हुमा माने उन दोनों के, दो के लिए लफ्ज आया है, जैसे हुमा हु माने वो, हुमा माने वो लोग, दो वो दो और हुम माने वो लोग, ये भी मुसन्ना का सीगा है। बैना हुमा उन दोनों के दरमियान, दो समंदर है ना, दोनों समंदर के दरमियान में बरजखुन एक पर्दा है, एक आड़ है, ला यबगियान और नहीं वो ज्यादती करते, दोनों समंदर ज्यादती नहीं करते, साथ साथ चले जा रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला का क्या इंतजाम अल्लाह ताला ने रखा है, ये अल्लाह ताला की क्या शान है कि अल्लाह ताला ने दो समंदर एक साथ बहाए। लेकिन कुरान में बहुत जगह भी इस बात का जिक्र है कि हम देखते हैं कि पानी का जिक्र है, एक का पानी खारा है और एक का पानी मीठा है, सूरह नहल में भी हम लोगों ने पढ़ा था।
अजबुन वो मीठा है और खुश जायका है, और दूसरे का पानी नमकीन है वो खारा है, लेकिन साथ साथ चलते हैं लेकिन मिलते नहीं हैं, आपस में एक दूसरे से तजावुज नहीं करते हैं, ज्यादती नहीं करते हैं। तो अल्लाह ताला हम लोगों को, दोनों को, जिन्हों को और इंसानों को, दोनों को अल्लाह ताला ये बात बता रहे हैं कि तुम लोग भी जो मुख्तलिफ तरह के लोग एक साथ रहते हो, तो तुम तो आपस में एक साथ रह नहीं पाते हो, बल्कि क्या करते हो, आपस में एक दूसरे से दुश्मनी तो उतराते हो, दूर हो जाते हो, फासला बना लेते हो। लेकिन देखो जो हमने जो समंदरों को बनाया है, जो दोनों एक साथ चल रहे हैं, एक साथ मिले हुए हैं और अलग अलग तरह की खासियत रखते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे पर ज्यादती नहीं करते हैं। लेकिन हम इंसान को और जिनों को अल्लाह ताला ने क्योंकि इरादे की आजादी दे रखी है ना, अख्तियार की और इरादे की आजादी दे के रखी है, तो आजादी तो दी है, लेकिन इसके बदले में क्या है कि अपनी रहमत भी भेज दी है, अपना कुरान को भी नाजिल कर दिया है, वो बता भी दिया है देखो ये तरीका सही है, तुम ज्यादती ना करना, तुम मीजान में ज्यादती ना करना, अदल कायम रखना, हर चीज में अदल कायम रखना, अपने तमाम रिश्तों में अदल कायम रखना, हर जगह तुम अदल कायम रखना, ये अपनी जरूरत के इस्तेमाल की जो चीजें अल्लाह ताला ने हमें दी है अपनी, अगर हम उसमें अदल ना रखें, अपने रिश्तों में अगर अदल ना रखें, तो क्या होता हमारी जिंदगी कैसी बेरौनक हो जाती है, बदमजा हो जाती है। तो अल्लाह ताला अपनी मिसाल दे रहा है, क्योंकि देखो हमने तो दो दरिया एक साथ बहा दिए, और मगर दोनों में कैसी आड़ है, दोनों एक दूसरे पर कभी ज्यादती नहीं करते, मिल ही जाते हैं दोनों, अलग ही अलग ऐसे बहते रहते हैं। फबी अय आलाए रब्बिकुमा तुकज्जिबान, तो फिर कौन कौन सी नेमतों का तुम अपने रब को तुम झुटलाओगे। तो आयत नंबर 21 तक है, मैं शुरू किया था 10 से लेकर 21 तक है, तो जी यही 10 से 20 हाँ, तक। तो तिलावत भी यहीं तक हुई थी, और यहीं पर हम अपनी बात को खत्म करेंगे, लेकिन फिर भी एक सवाल करेंगे कि कोई ऐसा लफ्ज इसमें किसी को ऐसा है अगर जिसके माने समझ में नहीं आए हो, और ये इस तरह का क्यों इस्तेमाल हुआ है, क्या मतलब है, तो फिर तो इंशाल्लाह रजिया बाजी बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे, हम लोग सब कुछ मिलकर सुनेंगे समझेंगे, लेकिन अगर किसी लफ्ज के बारे में कुछ पूछना है तो कुछ पूछ सकता है थोड़ी देर के लिए। किसी को कुछ पूछना है? हुमैरा, तानिया, जी मेरा, हाँ मेरा नहीं, कोई सवाल है, किसी का सवाल है तो पूछ लीजिए या चैट बॉक्स में लिख लीजिए, अभी नहीं पूछ पा रहे हैं तो बाद में भी पूछ सकते हाँ हैं। बाद में ही बात हो सकती है। तो अभी जी हमने आयत नंबर 10 से लेकर 21 आयतें हमने पढ़ी हैं, तो इसमें जी सभी ये लाए तो कई बार हो गई हैं, और सनिया ने लिखा था कि 10 आयतें की जाएंगी, लेकिन ये आयत को हटाकर, तो क्या यहाँ पर खत्म कर दें क्या, या कुछ आगे? अच्छा जी जी यहीं पर खत्म। अस्सलाम ठीक, वालेकुम। एक वालेकुम क्वेश्चन सलाम। था। हाँ वालेकुम सलाम। आपने बताया मगर मैं सुन नहीं पाई थी तब, जो 10th आयत थी उसमें जो वह था ना, वल अर्दा वदा लना, तो वह आपने क्या बताया उसमें, वहां और नहीं है मतलब उसका मीनिंग, तो आप कुछ और बता रहे थे तब मैं सुन नहीं पाई थी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेंटल तलत की आवाज नहीं आ रही है, वो शायद बोल रहे हैं। ड्रॉप हो गए।
नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ सर। बढ़ते हैं। हेलो, हाँ ठीक है। रजियाबाद जी, आपसे मैं गुजारिश करूंगी कि आप इन आयतों का तफसीर की तरफ हमको गाइड करें। रजिया जी, ओ, मेरी आवाज खत्म हो गई थी ना, मेरा कनेक्शन जी कट गया था। ठीक है, अब रजिया बाजी को दर्ज के लिए बोल दो। ठीक, हाँ, तो मेरी आवाज आ रही है? अब जी आ रही आ है, रही बाजी। आ रही है। हमने हाँ इसको क्लियर कर दिया था, वलर्दा हाँ मेरा कनेक्शन कट गया था, ये उसको समझ में आया कि नहीं? वदा वदा के समझ में आया ना, नहीं, वदा आपकी एक आवाज नहीं फेल आ रही थी, वो आप कट गई बोल रहे थी। थे। अच्छा, वो हाँ मेरा कनेक्शन कट गया था, मैं देखा बाद में। तो किसी ने पूछा था ना ये वदा के बारे में, तो वदा में हाँ मिला हुआ है। अभी मेरी आवाज आ रही है ना? और हाँ जी आया जी है जी जी आ रही है। वल अर्ध के लिए आया है। वदा एक फेल है जिसके हुरूफ मादा में वाव है, दुआद है और आईन है। ये तीन हर्फ से बनकर एक लफ्ज बना है वदा, जो फेल माजी का सेगा है। और वदा माने उसने रख दिया, उसने बिछा दिया, जिस तरह ठीक खलका है, जिस तरह मरा जाए, खलका उसने पैदा किया, मरा जाए उसने बहा दिए, इसी तरह लफ्ज है वदा है, और उसने रख दिया, उसने बिछा दिया, ये फेल माजी का सेगा है और तीन तीन हर्फों से मिलकर बना है और फेल माजी का पहला सेगा है ये। और हा जो है ये प्रोनाउन लगा हुआ है, जिससे हम लोग उर्दू में इंग्लिश में प्रोनाउन, नाउन की जगह पर प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, तो इसी तरह हा बना हुआ है। और अर्थ अर्थ चूंकि मोनस है, इसलिए ये मोनस का सेगा हा लगा हुआ है। वदा और उसको रख दिया या उसको बिछा दिया, यानी किसको? जमीन को। लिल अनाम, ली है, हर्फ जर है, ली माने फौर होता है, ने लिए, जैसे कहते हैं ली मेरे लिए, लना तुम्हारे लिए, तो इसी तरह हमारे लिल लिए अनाम यानी मखलूक के लिए, यानी खिलकत के लिए, यानी लोगों के लिए, यानी लोगों के लिए उसने रख दिया, उसने बिछा दिया जमीन को। हमारे कदमों के नीचे अल्लाह ताला ने जमीन को रख दिया, और जमीन में मेवे और खजूरें और दाने और खुशबूदार फूल सब रख दिए, हमारे लिए अल्लाह ताला ने रख दिए, हमारे लिए बिछा दिए। अच्छा सवाल किया था। इसी तरह जी, का अगर जजाक कोई अल्लाह। और, हाँ ठीक है, सवाल हो तो हम बाद में भी ले लेंगे, अब तफसीर की ठीक तरफ है बढ़ते हैं रजियाबाजी। इंशाल्लाह। हाँ हाँ जजाक अल्लाह बिल्कुल खैर, मेंटर इंशाल्लाह। तलत। शुरू करें इसको? जी, मेरी आवाज क्लियर है? वालेकुम चलिए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الحمد لله ہم سورہ رحمان کا مطالعہ کر رہے ہیں تجوید گرامر کی طرف بھی ہماری پوری توجہ ہے اور تفسیر کا بھی ہمیں इंशाल्लाह पूरा पूरा फायदा हासिल हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का करम है, अल्लाह की रहमत है। असल बात कुछ ये है कि कुरान को जब भी पढ़ो, हर आयत हर बार एक नया सबक पढ़ाती है। अब देखते हैं सूरह रहमान को, जरा सा हम पीछे से शुरू से लेते हैं कि अर रहमान जो लफ्ज है, ये पूरे जिसका वो पूरी सूरह जो है, ये इसी अर रहमान की शरह है, डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ रहमान, ठीक है। और थोड़ा सा हम अगर नया पहलू इसका ले लें और जाते हैं पीछे 1400 साल पहले, ठीक है। एक बंदा 40 साल तक सबके बीच रहा, लोगों से बड़ा जहीन समझते थे, बड़ा इत्माद था, सादिक और अमीन का लकब लोगों ही ने उसे दिया था। अचानक 40 साल के बाद वो एक पैगाम देता है और लोगों को दावत-ए-तौहीद देता है। लोग सोचने पड़ जाते हैं ये क्या हुआ,
इसको तो हम बड़ा सही समझते थे, बड़ा समझदार समझते थे, बड़ा इस पे हमारा इत्मीनान था। ये अचानक क्या हो गया है इसको? एक अल्लाह की बात कर रहा है, तौहीद की बात कर रहा है, और फिर साथ साथ ये भी कह रहा है कि मेरे पास फरिश्ता आया और मेरे पास वही आई है, और तुम मान लोगे तो तुम्हारा फायदा है और नहीं मानोगे तो अजाब आएगा। तो लोग चौंक जाते हैं, एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। और क्या होता है फिर, क्या करते हैं कि वो जरा उसको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो पैगाम चल पड़ा है। अब जहां वो मिलता है तो नजरअंदाज करते हैं, लेकिन देख रहे पैगाम तो बढ़ता ही जा रहा है। फिर देख रहे ना, फिर अगला स्टेप ये देख रहे कि कुछ लोग बड़े समझदार बड़े भले लोग हैं और जानने वाले लोग हैं, लेकिन वो इस पर ईमान ला रहे हैं, तो जरा सा और हैरत वाली बात होती है। अब ये लोग और परेशान, और जाकर उसको समझाते, क्या हो गया तुमको? ये कौन सा नया दीन जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, इसको तुम एक्सेप्ट कर रहे हो, और अपने बाप दादा को तुम्हें जरा एहसास नहीं है, बाप दादा के दीन को तुम छोड़ रहे हो। अब कोशिश करते हैं कि वो इसको सुने ही नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि कुरान जादू है, और मुसलसल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टॉर्चर कर रहे हैं। कभी साहिर कहते, कभी मजनू कहते, कभी काहिन कहते, कभी बस कुछ समझ में नहीं आता कि ये शायर हैं या मजनू हैं या साहिर है, कुछ नहीं समझ में आता। अब क्या करना शुरू किया इन्होंने कि इसको सुनो ही मत, कोशिश ये करो कि कोई इसको सुने ही नहीं। ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरआन वलगौफी, इस कुरान को कोई सुनो ही मत, और शोर मचा दिया करो, तालियां बजा दिया करो, और लोग जमा होकर कोई दूसरे किस्से शुरू कर दिया करो, क्योंकि इनको लग रहा है ये असर कर रहा है। ठीक है, उसके बाद भी काम रुक नहीं रहा। ठीक है, और लोग जो हैं वो परेशान हैं। अब इन्होंने लोगों ने क्या करना शुरू किया आपके साथ में? ठीक है, बहुत धमकियां दे दी, बहुत सुन ली तुम्हारी बातें, अजाब आएगा, ये आएगा, वो आएगा। ठीक है, ले आओ अजाब, अब देख ले, हम जो होगा देखा जाएगा। वही यस्ताजिलू न कबिल अजाब, जल्दी करने लगे ना। उस पर अल्लाह ताला ने अपनी सूरह को सूरह और रहमान से शुरू किया कि अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है, वो चाहता तो तुम्हें सजा दे सकता था और उसने दी है, लेकिन ये उसकी रहमानियत है, ये उसका कि ठाटे मारती हुई रहमत है। ये रहमान का लफ्ज है ना, वो बहुत बहुत जोश वाला लफ्ज है। जैसे जवान बहुत ज्यादा भूखा, भूख से मर रहा हो तो उसके लिए आता जवान, उससे ज्यादा भूखा हो ही नहीं सकता। अतवान बहुत ज्यादा प्यासा, लेकिन इसमें ना दवाम नहीं है। रहमान में जोश भी है और बहुत ज्यादा तूफानी कैफियत भी है, लेकिन दवाम नहीं है। जैसे कोई इंसान बहुत ज्यादा भूखा हो, उसे खाने को मिल गया, थोड़ा जान आ गई, ठीक है, बहुत ज्यादा प्यासा है, वो बात नहीं रही, वो कैफियत नहीं रही। तो ये जो अर रहमान है, इसमें दवाम नहीं है, ये किसी भी वजह से ये रहमत कम भी हो सकती है, अभी है, चल रही है। ठीक है, अल्लाह ताला क्या इस सूरत के जरिए बताना चाह रहा है, और क्यों उसने इसको लफ्ज़ रहमान से शुरू किया है? ये तो अल्लाह की रहमत है जो अल्लाह ताला तुम्हें कुरान से समझा रहा है। समझ जाओ, इंसान बन जाओ, होश में आ जाओ, वरना अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं था कि सजा देना। तो एक पूरी सूरह बस इस अंदाज से हम समझें कि ये अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है कि वो बजाय सजा देने के कुरान से हमें समझा रहा है। क्योंकि फौरन ही बात आती है, अल्लामल कुरान, उसने कुरान सिखाया, उसने असल मौलिम कौन है, वो है। और यही वजह है ना कि कुरान तो अल्लाह का, क्या होता है तालीम के लिए, क्या होता है, एक कैरिकुलम होता है, फिर एक टीचर होता है, फिर एक स्टूडेंट होता है। तो कुरान तो अल्लाह की किताब है, टीचर हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और स्टूडेंट हम हैं, तो अल्लाह ताला हमें सिखा। और अच्छा, दूसरी बात, अगर टीचर पे कोई उंगली उठाए, उसको बड़ा भला कहे, तो बुरा किसको लगना चाहिए? जिसका वो कलाम है, वो अपनी तरफ से तो नहीं बोल रहा, वो तो वही कह रहा है ना, जो उससे उसके पास वही आ रही है, कलाम तो उसका अपना नहीं है, अल्लाह का कलाम है। तो इस बात को जहन में रखते ही हम सूरत को समझें, और अल्लाह ताला फरमा रहे कि वो रहमान है जो तुम्हें, जिसने तुम्हें कुरान जैसी नेमत दे दी, और वो रहमान है जिसने तुम्हें पैदा किया, खलकल इंसान, और वो रहमान ही है जिसने तुम्हें इतनी बड़ी नेमत से नवाज दिया। अल्लामा हुल बयान, वहां था अल्लामल कुरान, उसने तुम्हें कुरान बयान दिया। यानी सारी नेमतों में जो इंसान की जो क्वालिटीज हैं, वो जानवरों में सिर्फ ज्यादा हैं, सुनने की, देखने की, सुनने की, लेकिन ये नेमत जो अल्लाह तआला दिए, जो स्पीच सेंटर है इंसान का, और उसमें इंसान को बात समझना और समझाना, ये सिर्फ अल्लाह ताला ने इंसान को दिया, उसको अल्लाह ताला ने याद दिलाया।
ठीक है, फिर अल्लाह ताला ने मखलूक की तरफ इशारा किया, देखो नहीं मान रहे हो तुम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे नहीं चल रहे हो, उसकी इताअत नहीं कर रहे हो, उसको झुटला रहे हो, उसको काहिन और मजनू कह रहे हो, देखो मेरा कायनात की तरफ सरोवर करो, इसको देखो वो सब मेरी फरमाबरदार है, सब मेरी इताअत में लगे हुए हैं, सूरज की तरफ जरा नजर डालो, अशम्स वल कमर बिहुजबान, एक होता है कैलेंडर और एक होता है टाइम, सूरज से टाइमिंग का अंदाजा लगाता है इंसान और चांद से महीनों का दिनों का, ठीक है, तो ये सब एक हिसाब से अल्लाह के रास्ते पर चल रहा है, बताए हुए रास्ते पर चल रहा है, कोई एक दूसरे पर चढ़ाई नहीं करता, द शम्स यम बगई रहा अंतुदे कल कमरा वाल लई सादे कुन नहार व कुल्लुन फी फलकी यसबहून, सूरज की मजाल नहीं कि चांद को बजा पकड़े और न चांद सूरज से पहले, सब एक दायरे में तैर रहा है, सब कुछ सिखाया जा रहा, सबक दिखाया जा रहा, मखलूक से सबक सीखो, मखलूक से शुक्रगुजारी सीखो, मखलूक से इताअत और फरमाबरदारी सीखो, किस तरह अपने काम में लगे हुए हैं, कितने बैलेंस्ड हैं, कोई एक दूसरे से आगे नहीं जाता, इनकी हदें मुकर्रर हैं, इनकी मनाजिल मुकर्रर हैं, और फिर वन नजम व शजर यसजुदान, सितारों को देखो, दरख्तों को देखो, ऐसा लगता है कि सजदा रेज हैं, यानी सब अल्लाह के मुती और फरमाबरदार हैं, फिर आसमान तुम्हें क्या सबक पढ़ा रहा है, बस समा रफा उसी ने, हाँ उसी ने तो उसको बुलंद किया, देखो कैसा मीजान कायम है, कैसा आज तक कितनी बार कुरान में अल्लाह ताला ने आसमान की तरफ देखने की दावत दी, गौर व फिक्र की दावत दी, कैसा अल्लाह ने मीजान कायम किया, इसको 3 बार अल्लाह ने फरमाया ववदु अल मीजान, मीजान कायम की, हक तलफी ना करो, सबके हुकूक अदा करो, बैलेंस कायम करो, जिसका जो हक अल्लाह ने दिया है उसको अदा करो, और अल्लाह तत्कौ फी मीज़ान, मीज़ान में ज्यादती ना करो, फिर अल्लाह ताला ने फरमाया देखो बैलेंस में रहना, इंसाफ के साथ वजन कायम करना, इतदाल पर कायम रहना और उसमें कमी बेशी ना करना, अल्लाह तुख़सिरुल मीज़ान, सब बातें बताने के बाद अब आसमानों के बाद और चांद सितारों के बाद और सूरज के बाद और दरख्तों के बाद अब बात किसकी आई है, जमीन की, जिसे हमने आज शुरू करना है, अल्लाह ताला फरमा रहे वल अर्द वदा अहाल अनाम, अल्लाह ताला ने जमीन को बिछा दिया, देखो गौर करो जरा, सिर्फ अल्लाह ने इंसान को पैदा करके छोड़ नहीं दिया, जितनी भी अल्लाह की मखलूक है उसके लिए पूरा इंतजाम, टोटली कहाँ रहना है, क्या खाना है, कैसी आबो हवा चाहिए, किसको पानी में रहना सूट करेगा, किसको खुश्की में रहना, और किसके लिए कैसे कैसे इंतजाम, किसने किया, आखिर कौन है वो, कहाँ खोए हुए हो, अभी तक गौर और फिक्र क्यों नहीं कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, देखो जमीन को अल्लाह ताला ने हर एक छोटी का भी रहने का इंतजाम किया है, छोटी के बिल आप गौर करें और सोचें देखें, और हम तो उतना जानते भी नहीं, पानी के अंदर कितनी मखलूक है जिसके बारे में आज तक हम डिस्कवर भी नहीं कर पाए, खुश्की पर देखिए किसको क्या खाना है, कहाँ रहना है, कैसा इंतजाम है, क्या कर रहे हैं वो, कौन खिला रहा है उनको, कौन है उनका राजिक, हम तो बड़ा फख्र करते हैं, मेरे शौहर कमाते हैं, मेरे वालदेन हैं, मेरे भाई बहन हैं, बड़ा नाज है हम, ये कहाँ जाते हैं कमाने के लिए, इसलिए तो आता है ना कि तुम वैसा तवक्कुल करो जैसा परिंदे करते हैं, खाली पेट निकलते हैं और रात को पेट भर कर अपने घोंसले में जाते हैं, कहाँ है हम, एक एक हयात हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है, हम कहाँ खड़े हैं, हम क्या कर रहे हैं, अभी सब चीजें अपने बैलेंस में है कायनात की, कल ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, इनका हिसाब बंद, तुम्हारा चैप्टर शुरू हो जाएगा, और अगर तुमने कहीं ये कहा मुझे नहीं पता था तो ये सब चीजें गवाह बनी आएंगी, नहीं देखा था आसमान को, नहीं देखा था सूरज चांद को, नहीं देखा था दरख्तों को, नहीं देखा था सितारों को, कहाँ थे, नहीं देखा था जमीन को, सारी मखलूक का इंतजाम वो रब इसने किसी को भी नहीं छोड़ा, किसी को भी नहीं छोड़ा, ना गजा के एतबार से, जिसको जो खाना है वो उसके लिए इंतजाम है, जितना खाना है उसके लिए इंतजाम, बड़े बड़े समंदर के जानवरों के लिए, मजबूरी जो भेल मछलियां हैं, तमाम चीजें ना भरपूर गजा, और फिर
इंसान को बताया जा रहा है कि उसने तुम्हारे लिए तमाम चीजें, खाने का भी पूरा इंतजाम है तुम्हारे लिए, क्या क्या है उसमें गौर करो, और कितनी खूबसूरती के साथ, फीहा उसमें फाकिहा तुम व नखलु वातु लकमाम, मेवे हैं तरह तरह के, खजूरे हैं, और खजूरों की भी क्या खूबसूरती। आप एक जानवर को खाना डालते हैं, ऐसा तो नहीं करते पूरा उसको सजा के ट्रे में रख के, उसमें सलाद भी है, उसमें खाना भी है, उसमें सब्जी भी है, उसमें फिश भी है, उसमें चिकन भी है, सामने पेश करते हैं, डाल देते जमीन पे, वो खा लेता, कोई शिकायत भी नहीं। गाय के सामने भूसा डाल दो, वो खुद खा लेगी, कभी कोई शिकायत नहीं कि इसमें ये खराबी है, ये कमी है। लेकिन आपके लिए अल्लाह ताला ने कैसा इंतजाम किया, खूबसूरती भी। अब जरा सा फलों पे गौर करें, आप हैरान रह जाते हैं। ये जो आला का लफ्ज आगे आएगा ना, ये हैरान कुन बात के लिए भी आता है, हैरत अंगेज एक एक चीज। असल में हमारे पास वक्त कहाँ है जो हम तदब्बुर करें, तफक्कुर करें, गौर व फिक्र करें। हम तो अपनी दुनिया में मगन है, मस्त है, चल रहे हैं, बस चल रहे हैं। अल्लाह तो बार बार हमें दावत देता है, अफला यतदब्बरून, क्यों नहीं गौर करते, क्यों नहीं फिक्र करते, दुबर असल में पीछे साथ क्यों नहीं गहराई में उतरते। ये कुरान के नजारे हम करते हैं, मगर इसके डेप्थ में हम नहीं जाते, इसकी गहराई में हम नहीं जाते। और जब तक गहराई में नहीं उतरेंगे ना, वो जो मोती और मुंगे ना नहीं मिलने वाले। ठीक है, जरा सी देर को आंखों को ठंडक तो जरूर मिल जाएगी, लेकिन फैजियाब नहीं होंगे, फैजियाब तभी होंगे जब उसकी गहराई में उतरेंगे। तो अब उस पर गौर करें, अनार का आप जब भी देखो, क्या खूबसूरत पैकिंग, उसके पर कवरिंग, अंदर भी देखिए कैसा जुड़े जुड़े दाने, कुरान में बार बार उसका जिक्र किया अल्लाह ताला ने। अंगूर की बेले देखिए, अनाब, कैसी खूबसूरती से वो अल्लाह ताला ने उसको बनाया है, और फिर सबका टेस्ट फर्क, एक ही किस्म का फल होता है। अब देखिए आप माल्टा देखिए, ऑरेंज देखिए, फर्क है ना, मजे में कितना फर्क है। उसके अंदर के छिलके देखिए, कैसी उसकी काशी अल्लाह ताला ने बनाई। तमाम चीजों पे अल्लाह ताला गौर करने की दावत दे रहा है, सिर्फ तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम नहीं किया, बल्कि बड़े खूबसूरत पैकिंग का इंतजाम किया है, बहुत खूबसूरती के साथ तुम्हारे सामने पेश किया है, हर चीज तुम्हारे लिए हाजिर है, जो कुछ भी इस जमीन में सब कुछ तुम्हारे लिए है, खलक लकुम, तुम्हारे लिए बनाया है अल्लाह ताला ने। फिर भी तुम बेखबर हो, फिर भी तुम गौर नहीं करते, और फिर देखो कि किस तरह अगली आयत में आप देखे, वल्हब्बुल अस्फ वर्रायहान, गेहूं की बालियां कभी आपने देखी हो, कैसे सेफ करती हैं उसको, और फिर ये नहीं कि वो बेकार हो जाती है, उसके साथ जो जुल अस है, भूसा है, वो भी बेकार नहीं जाता दाना हम लोग, फिर कैसे कैसे वो मराहिल से गुजरता है हम तक पहुंचते। कभी आपने खाना खाया हो, कभी आपको ख्याल आता है कि जो रोटी हम खा रहे हैं कितने मराहिल से गुजर के अल्लाह ताला ने दी, कैसे वो गेहूं का दाना, फिर उसकी फिर सफाई कटाई, उसके बाद फिर उसका पिसना, और फिर तमाम चीजें, कौन कर रहा है ये सारा इंतजाम हमारे लिए। फिर जानवरों की गजा भी उससे मिल रही है, और फिर वही बात, ये रायहान का लफ्ज है ना, एक तरफ तो आता है खुशबूदार फूल, यानी इंसान को ये सुकून भी चाहिए होता है, वो चाहता है कि जरा वो माहौल से लुत्फ अंदोज हो, तो वो भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन इससे और गजाएं भी मकसूद है, तरह तरह की गजाएं अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बनाई हैं। तो गौर की दावत दी जा रही है, गौर तो करो, सरासा तो देखो कायनात, यानी इतना प्यारे अंदाज से अल्लाह ताला ने इसमें एक एक आयत हमारे सामने पिरो कर रखी है कि अगर हम इसकी गहराई में जाएं तो उड़ताते ही चले जाएं, और न जाने कितनी चीजें हमें समझ में आ जाएं, लेकिन अफसोस कि हमें अभी तक गहराई में उतरना नहीं आया, समंदर में होते लगाना नहीं आया, काश के हम उसकी गहराई में उतर पाते। फिर अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, फबिअय्यि रब्बिकुमा तुकज्जिबान, अब बताओ, क्योंकि ये मुनफरिद सूरत है जिसमें अल्लाह ताला ने बयक वक्त जिन्नात और इंसान को मुखातिब किया है, इसीलिए हम देख रहे हैं कि बार बार डुएल का सीगा आता है, तस्निया का सीगा है। तो ए जिन्नुंस, तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी कुदरतों का, कौन कौन सी नेमतों का इनकार करोगे, एक एक चीज गौर करके तो देखो, फिर समझ आएगा तुमको। अजान हो रही, 5 मिनट रुक जाते हैं। अह
अल्लाहू अकबर अल्लाह। अल्लाहू अकबर अल्लाह। أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن نعم 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 لا إله إلا محمد رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هم چل رہے تھے وہاں آیت نمبر 13 پر، فبأي آلاء ربكما تكذبان، یعنی ان تمام چیزوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کیا سوال کر رہا ہے، ہم سے کوشچن کر رہا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا، کون کون سی قدرتوں کا، کون کون سی اعلیٰ حیرت انگیز، جس کو دیکھ کے انسان حیران رہ جائے، کس کس کا انکار کرو گے؟ ابھی بھی شکر گزار نہیں بنو گے؟ اللہ کی نعمتوں پر شکر نہیں کرو گے؟ پھر اللہ تعالیٰ ہماری حیثیت ہمیں یاد دلا رہا ہے، تم دنیا میں اکڑ کر جیتے ہو، اپنے اوپر اتنا ناز کرتے ہو، وہ تکبر، وہ بڑائی، آخر سوچو تو صحیح،
कि अल्लाह ताला ने तुम्हें किस चीज से पैदा किया है। खलकल इंसान मिन सुलसालिन कल फखार, पैदा किया इंसान को किसने? अल्लाह ताला ने खनखनाती मिट्टी, सड़ी हुई गारे की मिट्टी से। कहीं आता है हमारी मंसनून, कहीं आता है तीन, कहीं तुराब। तुम्हारी हैसियत है क्या? ये तो अल्लाह की कुदरत है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। वरना कहाँ वो नुतफा और कहाँ ये इंसान, और किस तरह उसने माँ के रहन में तुम्हारी परवरिश की है। और फिर एक तरफ तुम अपनी पैदाइश पे गौर करो और दूसरी तरफ अल्लाह के एहसानात, अल्लाह की नेमतों और अल्लाह के कुदरतों पे गौर करो। अगर कायनात पे गौर नहीं करते ना, तो कम से कम अपने आप ही को देख लो, अपनी पैदाइश पे गौर कर लो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें किस चीज से पैदा किया है। और ये एक बहुत बड़ी हकीकत है कि इंसान को अगर अपनी पैदाइश के मरहले याद हो ना, कि वो किस चीज से पैदा किया गया है, इंसान के अंदर बड़ाई आ ही नहीं सकती। हमेशा उसके अंदर उस रब की बड़ाई होगी जिसने उसे पैदा किया, जिसने उसे दुनिया में वजूद बख्शा, जिसने उसको माँ के पेट में हर तरह की गजा पहुंचाई और माँ के दिल में इतनी रहमत डाली। आप देखें कि बच्चा क्या करता है माँ के पेट में? बच्चा तो मजे से रहम में रहता है। उसको जो भी तकलीफ हो रही है, किसको हो रही है? माँ को हो रही है। दिन बे दिन बोझ पड़ रहा है, तकलीफ हो रही है, शुरू में जो हाल होता है, फिर जैसे जैसे सारी तकलीफ कौन उठा रहा है? माँ। बच्चा तो मजे से आराम से है, वो गजा खा रही है, बच्चे को मिल रही है, हर तरह के आराम में है वो। और उसके बावजूद यानी बच्चा कुछ नहीं दे रहा माँ को, माँ को सिर्फ तकलीफ पहुंच रही है। वाहन अला वाहन कुरान कहता है, कुरहा तकलीफ पे तकलीफ, लेकिन उसकी मोहब्बत का आलम क्या है कि पैदाइश के मरहले से गुजर के भी वो तकलीफ से याद नहीं रहती जो बच्चे की वजह से पहुंची है, बल्कि उसकी वो जो अल्लाह ने रहमत उसके दिल में रखी है ना, वो बच्चे को सीने से लगाती है, दूध पिलाती है, रात को उसके लिए जागती है, खुद गीले में सोती है, उसको सूखे में सुलाती है, उसकी हर चीज का ख्याल रखती है। हालांकि उस बच्चे ने क्या दिया उसको? वही हमारा हाल है कि हमारा रब हमारे लिए क्या नहीं कर रहा, कौन सी नेमत हमारे लिए रोकी हुई है, कितने हम नाफरमानियां करते हैं, कितने गुनाह करते हैं। हम तो सुबह को आराम से सोए रहते हैं, फजर की अजानें होती रहती हैं, अल्लाह नहीं पकड़ता। हम उठते हैं कि हमारा रिस्क रुक देता है, नहीं आज तुमने नमाज नहीं पढ़ी, आज तुम्हारा रिस्क बंद। नहीं, हर नेमत मुहैया है, हर चीज, मानो तो भी ना मानो तो भी, कितने गुनाहों में मुब्तला रहो फिर भी तुम्हारी तौबा का इंतजार है, फिर भी तुम्हारे पर शफकत और रहमत है। ये रहमानी तो है ना, लिहाजा अल्लाह ताला हमें हमारी हैसियत याद दिला कर बताना चाहता है कि तुम अब भी रब के हो जाओ, जिस रब को अब तक भूले हुए हो, याद करो उसकी नेमतों को, उसकी शुक्रगुजारी करो, उसके एहसानात पर गौर करो, एक के बाद एक के बाद एक एहसान। फिर चूंकि बात जिन्नात और इंसान दोनों से है, तो उनको भी उनकी हकीकत याद दिलाई जा रही है। वखलकल जान्ना मिन मारिजिन मिन नार, और जिन्नात को किससे पैदा किया गया? आग की लौ से, फ्लेम जो होता है। क्या हकीकत है उसकी? तो अपनी पैदाइश फिर दोनों की तवज्जे दिलाई जा रही है, इंसानों को भी और जिन्नात को भी, क्योंकि हिसाब कायनात से नहीं लिया जाएगा। सारी कायनात अल्लाह की मुती और फरमाबरदार है, सब अल्लाह के हुक्म से दायम और कायम है, कोई अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर रहा, ना सूरत ना चांद ना सितारे ना दरख ना आसमान, कोई नहीं। कौन नाफरमानी कर रहा है? हम और आप और जिन्नात। हिसाब इनका होना है, इसलिए इनको इनकी हैसियत याद दिलाई जा रही है और फिर फरमाया जा रहा है, फबी अय्या रब्बिकुमा तुकज्जिबान। अब बताओ अपने रब की कौन कौन सी कुदरतों का इनकार करोगे, कौन कौन सी नेमतों को छुटलाओगे, क्या नहीं किया तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए, क्या नहीं दिया तुम्हारे रब ने तुम्हें? तुम हमेशा नाशुक्री पे तुले रहते हो, जरा सी कोई मुश्किल आती है जजा फजा। इंसान को अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि इन्नल इंसान खुलेका, इंसान जो है वो बहुत ही थोड़दिल पैदा किया गया। इन्नल इंसान खुलेका हलुआ इजा मस्सहु शर्रु जजुआ व इजा मस्सहु खैरु मनुआ। इंसान की हालत
कुरान में खुद बताई गई है, बहुत थोड़ा दिल, बहुत कम हिम्मत, कम हौसला, तकलीफ पहुंच जाए तो जजा फजा, शिकवे और शिकायतें मैं ही मिला था, मेरे ही बड़ी तकलीफ आनी थी, मेरे ही लिए परेशानी रखी थी, मैं ही मिला था, आखिर मैंने कौन सा गुनाह कर दिया। और कोई नेमत मिल जाए तो समेट समेट के खुद ही रखता है, किसी से शेयर नहीं करता है, ये तो इंसान की हालत है। और वो उस देने वाले को क्यों भूल जाता है जिसने उसे सब कुछ अता किया है, जो तुमसे ये कहता है कि उसके दिए में से अल्लाह के राह में खर्च करो। उसकी नेमतों का इनकार क्यों करता है, उसकी नेमतों का इकरार क्यों नहीं करता? इकरार तभी होता है जब नेमतों का शुक्र हो, नेमतों को उस जगह खर्च किया जाए जहाँ नेमत देने वाला खुश होता है। हर चीज अल्लाह की अमानत है, आप सोच के देखिए, एक चीज भी अगर अल्लाह ले ले, है ना, हमारी आंखें चली जाए कि हम देख सकेंगे, कोई दे सकेगा हमें आंखें? हमारा जहन एकदम बेकार हो जाए, दिलो दिमाग काम न करे, कौन देने वाला है हमको? ये समाज से हम सुन रहे हैं, अल्लाह की बात सुन रहे हैं, और तमाम चीजें हम कर रहे हैं, ये समाज चली जाए, है कोई देने वाला? हमारे कानों की सुनवाई है किसी के पास? ये जो जुबान चल रही है, ये कुव्वते गोयाई जिसको खास तौर से सूरह में मेंशन किया, अगर अल्लाह ले ले, बात करते करते हम भूल जाएं, कोई आयत हमारे जहन से निकल जाए, अल्लाह ताला भुला दे, क्या कर लेंगे, क्या बिगाड़ लेंगे उसका? तो शुक्रगुजारी नेमतों में इजाफे का जरिया बनती है। अल्लाह से कोई, इससे कोई मतलब नहीं, हम शुक्र करें या ना करें, उसके रास्ते में उसकी दिए नेमतों का इस्तेमाल करें नहीं करें, क्या परवाह उसको? हमारा अपना फायदा है, हम जो कुछ करते हैं अपने लिए करते हैं। लिहाजा इंसान और जिन्नात को अपनी पैदाइश पर गौर करने की तवज्जो दिलाई गई है। और फिर वही बात कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों का इंकार करो। रब्बुल मशरकैन व रब्बुल मगरिबैन, वही अल्लाह है, हर पल हर आन तुम्हें देख रहा है। और ये मशरकैन और मगरिबैन जो आया है, ऐसे भी आप देखें कि जहां सूरज निकल रहा है वो मशरक है, और जहां डूब रहा है वो मगरिब है, वहां अगर मगरिब है तो यहाँ मशरक है, यहाँ मशरक है तो वहां मगरिब है, इसलिए कुरान ने मशारिक और मगारिब भी कहा गया। तो बहरहाल इसको बताने का मतलब क्या है, असल मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है, वो है रब, दोनों मशरकों का भी वही रब है, दोनों मगरिबों का भी वही रब है, वो हर पल तुम्हें देख रहा है, तुम्हारा एग्जाम चल रहा है, तुम एक एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, हर वक्त तुम्हारी चेकिंग हो रही है, तुम्हारे हाल से पूरी तरह वो बाखबर है, तुम्हारी नीयतें भी वो जान रहा है, तुम्हारा हाल भी वो समझ रहा है, और वो हर चीज पर कुदरत भी रखने वाला है, जो चाहे तुम्हारे साथ मामला करे, तुम उसके साथ कुछ नहीं कर सकते, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, फिर भी तुम इनकार कर रहे हो। इंसान को इंसान बनाया जा रहा है, होश में आओ, अल्लाह की नेमतों पर गौर करो, अपनी पैदाइश पर गौर करो, मशरिक व मगरिब पर गौर करो, सब चीज का मालिक अल्लाह है, सब कुछ करने की कुदरत उसकी है, पूरा इख्तियार उसका है, कोई उसके सामने कुछ भी नहीं कर सकता, कोई चीज उसके सामने हाइल नहीं हो सकती, फ़ालु लिमा युरीद इसकी शान है, वो जो चाहता है कर गुजरता है, सब बेबस और कमजोर है। अपनी बेबसी, अपनी मोहताजी को तस्लीम करो, उसकी बड़ाई को तस्लीम करो, झुक जाओ उसके सामने। कुरान में आता है ना वो, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाहि वमा नज़ला मिनल हक़, सूरह अल हदीद की आयत है। और जब भी मैं इस आयत से गुजरती हूँ, मुझे लगता है ये अभी उतरी है, अल्लाह ताला फरमाए अभी भी ईमान वालों के लिए वक्त नहीं आया, अभी भी नहीं आया कि उनके दिल डर जाएं और जो कुरान में हक नाजिल हुआ उसको एक्सेप्ट कर लें। आखिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? ये तमाम चीजें ये हमेशा के लिए नहीं है, एक दिन सब खत्म हो जाने वाला है, अभी संभल जाओ तो तुम्हारा फायदा है, अभी गौर कर लो तो तुम्हारे लिए आगे की खैर है, ये तुम्हारे लिए कुरान नाजिल किया अल्लाह ताला, तुम्हें अल्लाह ताला समझा रहा है, तुम्हें सजा नहीं दे रहा, तुम्हें पकड़ नहीं रहा, तुमको ढील दे रहा है, तुमको मौका दे रहा है, अभी तुम संभल जाओ, तुम्हें कुरान से सिखा रहा है, कितनी बड़ी रहमत अल्लाह की, कितनी मोहब्बत, कितनी शफकत की इंतहा, किसने तुम्हें कुरान जैसी दौलत अता फरमाई, कुरान जैसी नेमत अता फरमाई, एक बेशबहा तोहफा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए तुम्हें अता फरमाया। अब भी गौर नहीं करोगे, अब भी शुक्रगुजार नहीं बनोगे, अभी इनकार की रविश अख्तियार करते रहोगे, फिर
फिर और कुदरतों की तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है। मरजल बहराइन अल्तकियान, एक और हैरत अंगेज मामला कि अल्लाह ताला ने दो समंदरों को मिला दिया, मिले हुए दो, ये अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन, ये दोनों जो समंदर हैं ये एक साथ चल रहे, एक साथ पानी भी अलग, रंग अलग, पानी का मजा अलग, एक तरफ मीठा पानी एक तरफ खारी पानी, साथ साथ चल रहे हैं, और पानी जबरदस्त फोर्स है। आप देखिए कि जिसको कोई भी सजा नहीं दे सकता, कोई उसके लिए वो नहीं हो, उसको किसने, पानी ने डुबोया, पानी ने अपने अंदर भर के, फिरौन, आप सोच के देखिए। और पानी अगर वो हो जाए, पानी अगर हदों से निकल जाए तो क्या मामला आता है। कुरान में आता है ना, इन्ना लम्मा तगल नाओ हमलना कुम फिल जारिया, जब पानी हद से गुजर गया, कोई रास्ता नहीं बचा, फिर तो तुम्हें कश्ती में ही सवार होना पड़ा। पानी कहीं भर जाए किसी तरह रोक नहीं सकते उसको, जबरदस्त फोर्स है पानी की, लेकिन उसके बावजूद, इतनी पानी में ताकत होने के बावजूद, यानी इसके सामने कोई चीज नहीं ठहर सकती, कोई बिल्डिंग हो, कोई चीज हो, यहाँ तक हर चीज को समेट लेती है अपने अंदर। उसके बावजूद अल्लाह के कुदरत पे गौर तो करो कि अल्लाह ताला ने मिला भी दिया, साथ साथ चल रहा है, साथ साथ चल रहा है, उसके बावजूद क्या है, दोनों के दरमियान एक आड़ है, एक पर्दा है, बरज़ख़ दीवार है, कि वो हद से तजावुज नहीं कर, ला यबगयान, एक दूसरे पे चढ़ाई नहीं करते। हमारे पास अगर इतनी ताकत हो तो ताकत का कैसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सीखो सबक इन समंदरों से, जो साथ साथ चलने के बावजूद भी उसका गलत इस्तेमाल नहीं करते, उसको मिस यूज नहीं करते, अल्लाह के हुक्म से रवा दवा भी हैं, चल भी रहे हैं, एक दूसरे में मिलते नहीं, खारी पानी मीठे पानी में नहीं मिलता, मीठा पानी खारे में नहीं मिलता, दोनों के कलर्स अलग हैं, हर चीज साथ साथ चल रहे हैं। हमें याद दिलाया जा रहा है हम कहाँ खड़े हैं, हम क्या कर रहे हैं। तमाम चीजें अल्लाह के हुक्म की पाबंद है, अल्लाह ने इन्हें मुसख़्खर किया है, ये हमें सबक दे रही है कि हमने क्या करना है, हमने, हम किस तरह हद से तजावुज कर जाते हैं, हमें किस तरह बैलेंस रखना है, किस तरह आपस में एक दूसरे के साथ बिहेव करना है, ये सारा सबक हमें और जिन्नात को पढ़ाया जा रहा है। और फिर आयत नंबर 21, फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज्जिबान, काश के अब भी हमें होश आ जाए, काश के अब भी हम संभल जाएं, अल्लाह की कुदरतों पर गौर व फिक्र करना आ जाए, अपने आप को पहचानना आ जाए, अपनी हैसियत हमारी नजरों के सामने आ जाए, अल्लाह की बड़ाइयां, अल्लाह की किबराइयां, अल्लाह की कुदरतें, अल्लाह के एहसानात, अल्लाह की नेमतें, और अल्लाह के तमाम वो हैरत अंगेज चीजों पर हमें अल्लाह तदब्बुर करना आ जाए। अल्लाह ताला हम सबको इन आयात के जरिए गौर व फिक्र की तौफीक दे दे, अल्लाह हमें शुक्रगुजार बंदा बना दे, अल्लाह तू हमें वैसा बना दे जैसा वो चाहता है, अल्लाह जो जिंदगी गुजर गई वो गुजर गई, अल्लाह आगे की जिंदगी का लम्हा लम्हा अपनी रजा और अपनी खुशनुदी वाला बना दे, इसी तलब में जीना और इसी तलब में हम सबको मरना नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिलहमदुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू, जजाक अल्लाह खैर पर जी। अल्लाह की जात से उम्मीद है कि इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा, फिर भी अगर कहीं नहीं समझ आया हो तो